नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। शहर में खुलेआम गोली चलने की वारदातें आम हो गई हैं। एक बार फिर शहर की सड़कों पर गैंगवार के चलते जमकर गोलियां चलाई गई, जिससे दहशत का माहौल बन गया। देर रात मदन महल थाना अंतर्गत संजीव नगर में कुख्यात बदमाश मुकेश पटेल और उसके विरोधी गैंग के सदस्य आमने सामने आ गए। दोनों गैंग के सदस्यों ने एक दूसरे पर जमकर गोलियां चलाई और एक दूसरे को जान से मारने का प्रयास किया। इस दौरान क्षेत्र में भगदड़ मच गई और लोग गोलियों से बचने के लिए सुरक्षित जगह पर खड़े हो गए। गोली लगने की वजह से गैंगस्टर मुकेश पटेल और गौरव ठाकुर घायल हुए हैं, जिन्हें तुरंत मेडिकल अस्पताल में दाखिल कराया गया। कुछ अन्य युवकों को भी चोटें आई हैं, लेकिन वे मौके से फरार हो गए। गोलियां चलने की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। लंबे समय से इस क्षेत्र में बदमाशों की आधा दर्जन गैंग अपराधों को अंजाम दे रही है और वर्चस्व की लड़ाई के लिए आपस में भी टकरा रहे हैं। इन बदमाशों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। अंसल की इवट है ना, और गौरी है और सूजल है, पंडा वाली गवाह को लेके पक्ष करवाने के चक्कर में इनका वारंट हुआ। मजिस्ट्रेट साहब से बयान है, उस चक्कर में इनने हमला किया कि गवाह पक्ष नहीं दोगे तो जान से मार देंगे, और इनने उनका वारंट कटा हुआ है इसलिए इनने हमला करवा दिया घर के पास। कहां का अपने घर यहीं का है, मच्छी मार्केट के पास का। और वो ही दुर्गेश पंडा वाले, पहले चोट हुई थी तो गवाह पक्ष नहीं करवा पा रहे थे, ये इस चक्कर में इनने चोट करवाई है। बड्डू पटेल जो अंसल को साथ में रखता है, ये सब पूरे एक ही हैं। इन्हीं ने वारदात में ये रहे एक गाड़ी से तो वारदात की इनने, विन नंबर प्लेट की ब्लू कलर की एक्सेस थी। कौन कौन थे? अंसल केवट, गौरी और बाकी तीन लड़के और बैकअप में रहे इनके। आपका नाम? मेरा नाम मुकेश पटेल है, लेबर चौक महाराजपुरम के सामने। गवाह को लेकर विवाद है, 307 की गवाह पक्ष नहीं करवा पा रहे हैं इसलिए गोली चलवा दी। जान से मरवा रहे थे पर जान से नहीं मार पाए तो पैर में गोली मार दी। घटना हुई थी, किसने आपके ऊपर गोली चलाई? बॉस में सीधे जा रहा था तो बल्लूबाल में मुक्कू पटेल, यश तिवारी और लक्की पटेल थे, तो लोगों ने कुछ नहीं बोला। वहाँ पर मेरे को देखे, मैं ऐसी गाड़ी घुमा रहा था, लोगों ने बिना सोचे समझे गोली वोली चलाने लगे, गोली चलाए तो ये जब हम लोग वहाँ से गाड़ी मोड़े ही थे और इन लोगों ने गोली चला दी थी। वजह क्या है मानने से? क्या पुराना विवाद था इन लोगों से, यस से पुराने विवाद के कारण। तो आपका क्या नाम है, कहाँ की घटना है? मेरा नाम गौरव है, घटना मुक्कू पटेल के घर के सामने की है। आपको बस लगी है कि हर्षल को भी लगी है? मेरे को बस लगी है, हमारे यहाँ से गोली चली ही नहीं है ना थी। आपका नाम बताइए? गौरव। कहाँ के रहने वाले? गुलौगा चौक सकला नगर। आरोपी कहाँ के हैं? आरोपी जैसे फाटक उस पार रहते, मैं उनको अच्छे से नहीं जानता, मतलब नाम से आंतु सकल से ये नहीं पता घर और कहाँ जी। फाटक उस पार का, मैं था पेट्रोल पंप के पास का। आपका नाम बताइए? गौरव राजकुमार ठाकुर। थाना मदन महल अंतर्गत मेहता पेट्रोल पंप है, वहाँ पर घटना घटित हुई है। इसमें दो लोग घायल हुए हैं, एक मुक्कू पटेल है और एक गौरव ठाकुर है, और दोनों हॉस्पिटलाइज हुए हैं मेडिकल कॉलेज में। दोनों के बयान लिए गए हैं, इसमें आपस में एक दूसरे को गोली मारने के आरोप लगे हुए हैं और पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जाँच करके जो भी वैधानिक कार्रवाई वो कर ली जाएगी। प्रथम दृष्टया दोनों आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, जिसमें मुक्कू पटेल के 15 से 20 अपराध हैं और जिसको पैर में गोली लगी हुई है, और इनके बयानों और कथनों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कितने लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं? इसमें प्रथम दृष्टया तो दोनों एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं और दो तीन आरोपियों के और अन्य नाम बताए गए हैं, इन्वेस्टिगेशन में इन सबको शामिल किया जाएगा। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।